क्या लग रहा है, इस स्टेडियम को पूरा भर दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में रहेंगे। हजारों की क्या संख्या, 2000 से 1000 की संख्या में आदमी रहेंगे। नहीं नहीं कहा तो जा रहा है कि मतलब 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। किसको सबसे ज्यादा मानते हो? चिराग पासवान। चिराग पासवान को क्या है भाई? वो ऐसे भी अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ ये भी है, तो ये तो उनका चाचा है, तो इनको सपोर्ट क्या ना करेंगे। चाचा से क्या कहना चाहते हैं? वो बुजुर्ग है, उनको चिराग जी को, उनका भतीजा है घर के, उनको जहाँ तक हो सपोर्ट करना चाहिए। कुछ भी किए हो तो भाई माफ, हाँ माफ कर देना चाहिए, हम यही कहेंगे। राम विलास जी को आप लोग बहुत याद कर रहे हैं? बस बस बस, उनके लिए बात, राम विलास जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, और उनके लाइक होबो नहीं करेगा अभी तक। हाजीपुर सीट को लेकर खींचातानी जो चल रही है, क्या लग रहा है कि अब न्यू जनरेशन को सौंपा जाए, गार्जियन को सौंपा जाए? आप सिखा रहे हैं? नहीं बच्चा गलती कर लिया तो खूब मार थोड़े देंगे। गलती ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब मलिकाना हक भी तो देता है ना। देंगे जब समय आएगा, उनको देंगे, अभी नहीं देंगे। उनके पास जो भी जाता था वो उसके ही हो जाते थे, ये चीज इन लोगों में नहीं नहीं है ना। आपको क्या लगता है? हम इन्हीं बात पर हैं, इन्हीं के बात पर हैं। सही बात है, वो जमीनी से जुड़ल नेता थे, ये दोनों लोग मुझसे बात मान लगता है। चिराग जी में बचपना लगता है और ये ज्यादा ऊपर का नेता है। हाँ। अच्छा। कमी उनके फील हो रही है। राम विलास जी बहुत भगवान थे हाजीपुर के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए हाजीपुर में मैं पहुंच चुकी हूँ, 28 तारीख का प्रोग्राम है, स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, प्रोग्राम यह मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हाजीपुर में मनाया जा रहा है। और मैं उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ, उस स्टेडियम में पहुंच चुकी हूँ जहां पर यह समारोह मनाया जाएगा। पूरी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस तरह से पंडाल जो है वो बन रहे हैं, यहाँ पर काम यहाँ पर चल रहा है और महिलाएं जो है जो पटना से यहाँ पर आई हैं वो यहाँ पर देख रही हैं कहाँ पर किसकी कैसे व्यवस्थाएं की जा रही है, ये सारा कुछ कहा जा रहा है। हजारों की संख्या में, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचने वाले हैं और उसकी तैयारी किस तरह से चल रही है वो हम जानने के लिए आए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ की आम पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है और आम पब्लिक से ही हम बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डब्लू प्रसाद। डब्लू आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं। प्रसाद हैं, यादव जी हैं? नहीं, तो हम श्रीवास्तव हैं। अच्छा श्रीवास्तव हैं। मुझे ये बताइए क्या स्थापना यहाँ पर मनाया जा रहा है, समारोह मनाया जा रहा है, आप लोगों के सांसद भी हैं पशुपति पारस जी, तो उसको लेकर क्या लग रहा है यहाँ पर जो तैयारियाँ हो रही है, तो रामविलास जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रामविलास जी पारस जी को खड़ा करा है, यहाँ से जीते, विकास भी किए, ऐसी बात नहीं कि पारस जी नहीं विकास किए। अब रह गई है कि अब उनका फिर नए सिरे 2024 में देखना है कि अब सांसद बन के जाएंगे तो अब आगे क्या करते हैं, विकास तो कर ही रहे हैं हाजीपुर के लिए, मतलब आगे क्या करते हैं? हाँ उम्मीद है उन्हें? नहीं उम्मीद नहीं, कर रहे हैं और अच्छा, करेंगे, कर रहे हैं। हाँ तो बहुत लोग तो कहते हैं कि भाई वो तो अपने जगह से पटना से तो निकल के कहीं जाते ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाएंगे, हाजीपुर में ही रहेंगे, हाजीपुर से ही जीत के जाएंगे। अच्छा। ये पूरे ताकत के साथ इनको जिताएंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर कितने संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं 28 तारीख के प्रोग्राम के लिए, मैं पूछ रही हूँ? भरपूर संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। अच्छा, भरपूर संख्या में पहुँचेंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे हम लोग। अच्छा, क्या नाम है? गोलू कुमार। गोलू, किसको सबसे ज्यादा मानते हो? चिराग पासवान। चिराग पासवान को क्या है भाई? वो ऐसे भी अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसीलिए पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ ये भी है, तो ये तो उनका चाचा है, तो इनको सपोर्ट क्या ना करेंगे। अच्छा। फुल सपोर्ट है दोनों आदमी, मतलब का सपोर्ट फुल है, लेकिन मानते हो उनको है ना? हाँ सबसे ज्यादा हम उनको मानते हैं, यंग है इसलिए हम उनको बहुत अच्छा लगाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, हीरो जैसा लगता है इसलिए। कोई हीरो उनसे कम, उनसे कोई हीरो से कम नहीं है, सब हीरो से टॉप है। सब हीरो से ज्यादा है। आप पढ़े लिखे भी हैं, भाषण भी अच्छा करते हैं, देखे होंगे आप लोग भी। अच्छा, क्या अच्छा लगता है उनमें सबसे ज्यादा? बहुत चीज अच्छा लगता है, ऐसा थोड़ी है। आप ही बताइए, नीतीश कुमार जी था, अभी बिहार में 10 या 20
हजार आदमी के काम करने जुकुर अथी बनाया हुआ रहता फैक्ट्री, तब बिहार के आदमी तो बाहर नहीं जाता। कहाँ हुआ था, एक तरफ हुआ था ना बाहर में, जहाँ बिहारियों को काटा जा रहा था, वो बिहार में रहता तो बिहार में फैक्ट्री रहता तो वो लोग बिहार में काम करते ना, बिहारी क्यों जाता अलग। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? ऐसे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, पापा क्या करते हैं? पापा किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, मतलब उतना घर में वो नहीं हो पाता है। नहीं, आगे जाके क्या करोगे? आगे जाके कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे तो करोगे। विश्वास है नीतीश कुमार पे? नीतीश कुमार पर तो पूरा विश्वास नहीं है। तो किन पे भरोसा है? चिराग पासवान। चिराग पासवान पे भरोसा जी है। और सपोर्ट करते हो पशुपति पारस? हाँ, दोनों आदमी को करते, दोनों आदमी को करते हो। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? सुभाष पासवान। मैं देख रही थी पासवान जी है, देख रही थी कि जब ये बच्चा बोल रहा था तो बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे आप। क्या लग रहा है, क्या मतलब बताइए आपकी समस्या है? देखिए समस्या है क्या कि ये लाइट पासवान कोटगरी जो है, हम भी पासवान ही है, चाचा भतीजा दोनों के माने कि डिवाइडेड होते जा रहे हैं, पासवान कोटगरी आपस में बट जा रहे हैं। हाँ। हम नहीं चाहते कि आपस में बटे। हाँ। सब दोनों आदमी को मिल के एक राय विचार डिस्कस करके इस पे एक घर का बंटवारा नहीं चाहते। हाँ, बहुत हाँ, लोग नहीं चाहते नहीं भाई के घर का बंटवारा। हम लोग इनसे यही अपील कर रहे हैं, दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग से यही। चाचा से क्या कहना चाहते हैं? वो बुजुर्ग है, उनको चिराग जी को उनका भतीजा है घर के, उनको जहाँ तक हो सपोर्ट करना चाहिए। तो कुछ भी किए हो तो भाई माफ, हाँ, माफ कर देना चाहिए, हम यही कहेंगे। चिराग जी को क्या कहना चाहिए? वो चिराग जी है, वो बहुत पॉपुलैरिटी है। शर्मा कहेगा चिराग जी के नाम पे, लड़की है क्या? ऐसा कुछ बात नहीं, वो यंग जनरेशन है और उनके आने वाले आगे चल के बहुत आगे माने की बहुत हाईलाइटेड में वो हमारे बिहार के लिए काम करेंगे। हम लोग उनसे काफी उम्मीद रखते हैं, खासकर पासवान कोटवाड़ी के भी न्यू जनरेशन है। यही हम लोग कि हमारा नेता कल के एक जैसे रामविलास जी काम किए तो उसी तरह से वो भी बढ़िया ढंग से अपने पापा का नाम ऊंचा रखे। मतलब आप लोगों का कहना है कि भाई रामविलास जी की जो दोनों हाथ है वो हाथ अलग ना हो। हाँ, हाँ, दोनों हाथ एकजुट कर काम हो, है ना? आप बताइए आप क्या राय है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा राय तो जो भाई लोग बोले हैं उसमें हम लोग समर्थन, क्या जो अभी भाई लोग बोले हैं उसमें आप बोलिए अपने मुंह से, कुछ अलग बोल दीजिएगा। नहीं कुछ अलग नहीं, वही सेम टू बस। मतलब दोनों को आप लोग अलग नहीं होना नहीं चाहते? नहीं, तो दोनों में इस तरह से जो मतभेद चल रहा है, मतभेद जो चल रहा है मतभेद ना हो, दोनों मिल के काम करें। हाजीपुर सीट को लेकर खींचातानी जो चल रही है, क्या लग रहा है कि अब न्यू जनरेशन को सौंपा जाए, गार्जियन को सौंपा जाए? आप सिखा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए हम ये हमारे गार्जियन भी एक हद तक फिर अपने बच्चों को सौंप देता है, सौंप देता है तो बच्चा गलती करता है तो गार्जियन माफ करे, करेगा क्यों नहीं, करने दीजिए। बुढ़ापा आने के बाद आप भी बच्चा ही लोग को सौंप? हाँ, बच्चा गलती कर लिया तो खूब मार थोड़े देंगे। गलती ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब मलिकाना हक भी तो देता है ना? देंगे जब समय आएगा, उनको देंगे, अभी नहीं देंगे। आप जो कहिएगा सही करेंगे, हमारे भाई है, बड़े भाई रामविलास भाई है, वो डिसीजन मान दे दिए होगा, हम बेटा है, बेटा है, हम भी मान रहे बेटा है, लेकिन हम गार्जियन हम है, हमसे कोई डिसीजन लेकर नहीं पार्टी से अलग होना चाहिए, अलग होना। मतलब वो तो आप, सबसे बड़ी गलत की है चिराग। आप लोगों का लग रहा है कि चिराग जी भी साथ में रहे तो हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। क्या लग रहा है, इस स्टेडियम को पूरा भर दीजिएगा आप लोग? बिल्कुल, बड़ी संख्या में रहेंगे, हजारों की क्या संख्या, 2000 की संख्या में आदमी रहेंगे। नहीं नहीं, कहा तो जा रहा है कि मतलब 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 20 से 25 हजार तो काफी कम रहेगा। कम है, कम है, अभी तो हजारे के बात आप कर रहे थे। आप बताओ भाई, युवा हो, जनरेशन नई पीढ़ी हो, क्या नाम है? छोटू यादव। इधर देखो, छोटू, अभी जो हाजीपुर सीट को लेकर चल रहा है, यहाँ के सांसद भी हैं आज पशुपति पारस, क्या लग रहा है, कौन से नेता सबसे बेस्ट है? और 28 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम भी मनाया जा रहा है, तो जब होगा तब तो मालूम चलेगा। अभी किसको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो जब होगा जब काम कर रहा है, अब जो मतलब जो करेगा काम उसी को ना देंगे, अपना मानेंगे। क्या नाम है आपका? लाल उठाव। हाजीपुर के ही है। 28 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जी। आपके पार्टी किस पार्टी से हैं आप, किस पार्टी को मानते हैं?
हम लोग किसी पार्टी को संतुष्टि जब नजदीक कोई काम होता है ना तब ही किया जाता है। पहले हम लोग नहीं कहते हैं हम फलना दल के हैं और चिल्ला दल के हैं। तो मतलब कोई नेता होंगे ना जिनको मतलब लगता होगा कि हम भाई काम कर रहे हैं। हाँ करते थे रामविलास जी करते थे लेकिन अब तो उनका पुत्र है। रामविलास जी को आप लोग बहुत याद कर रहे हैं। बस 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 उनके लिए बात है। रामविलास जी जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है और उनके लाइक होबो नहीं करेगा अभी तक। क्या खासियत उनमें थी और क्या आपको कमी फील हो रहा है कि ये लोग में वो खासियत नहीं है? हम लोग में खासियत महसूस इसलिए हो रहा है कि हम लोग जो थे ना माने किसी भी वर्ग के किसी भी कास्ट से उनके नजदीक जाने के बाद उनका बात विचार रहन सहन और जो उनका भावना रहता है कि इसको कैसे भी पार कर दे माने जो हमसे बने हमसे जो हो एम्स हो दुनिया हो डॉक्टर हो संसार हो उसमें उनका दिल जान मतलब वो उनके पास जो भी जाता था वो उसके ही हो जाते थे। हाँ, हाँ, ये चीज इन लोगों में नहीं नहीं है ना। आपको क्या लगता है? हम इन्हीं बात पर हैं। इन्हीं के बात पर हैं। सही बात है। वो जमीन से जुड़ल नेता थे। ये दोनों लोग मुझसे बात मान लगता है। चिराग जी में बचपना लगता है और ये ज्यादा ऊपर का नेता है। कमी उनके फील हो रही है। राम विलास जी बहुत भगवान थे हाजीपुर के लिए। हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किए राम विलास जी। आज उन्हीं का दिन है कि क्या बोलते हैं जनरल ऑफिस हुआ और इसके बाद क्या बोलते हैं चलिए। तो हाजीपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि स्थापना जो समारोह है ये दोनों लोग मना रहे हैं। चिराग पासवान भी मना रहे हैं, पशुपति पारस भी मना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जमीन से जुड़े जो लोग यहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो उन्होंने सच्चाई बताया। रामविलास पासवान की कमी बहुत खलती है क्योंकि रामविलास पासवान की तरह कोई नेता अभी तक नहीं है। भले ही ये लोग आ जाएं अभी भी इन लोगों को पकना जरूरी है, जमीन पर उतरना जरूरी है क्योंकि रामविलास पासवान जो करके गए हैं वो दूसरे लोग कोई भी नहीं कर रहा है। चलिए भी इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।